इस सेशन में हम लोग जानेंगे ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में। ओके, कहता ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है? तो कहता ये एक सिचुएशन होती है। ओके, मींस फंक्शनल डिपेंडेंसीज के कॉन्सेप्ट में एक सिचुएशन होती है कि कोई एक एफडी होती है के टू ए और दूसरी होती है ए टू डी, जहां पर ए और डी हर हाल में सिंगल एट्रीब्यूट है और साथ में नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। ओके, तो सिचुएशन क्या है? अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी इज डिटरमाइंड बाय अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए थ्रू द कैंडिडेट की ऑफ द स्कीमा। जब भी ये सिचुएशन होगी के टू ए, ए टू डी, तो के डिटरमाइंस डी, ये कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन बोलने का तरीका इस बात पे एम्फेसाइज करना है क्या कि अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डी इज डिटरमाइंड थ्रू अ नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए। ओके, और ये ए कैसे, इसको कौन डिटरमाइन कर रहा? अ कैंडिडेट की। कहता जब भी ये सिचुएशन, ये सिनेरियो दिखेगा, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की सिचुएशन है। हर हाल में के कैंडिडेट की है और हर हाल में ए और डी नॉन प्राइम और सिंगल एट्रीब्यूट है। ओके, अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्कीमा आर एंड एफडी इज होल्डिंग ऑन इट। ये फंड एफडी होल्ड कर रही हैं और ये क्या है, स्कीमा है। इस एफडी सेट में जो स्कीमा है उसकी जो कैंडिडेट की है, दो कैंडिडेट की निकल के आ रही है, एक ए है एक बी सी है। ओके, अगर इसमें यह बात करनी है कि इसमें मीन्स ट्रांजिटिव एफडी है कि नहीं है, तो पहले तो रिलेशन को क्या होना चाहिए, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा, तो ही ये डेफिनेशन क्लियरिटी से आपको दिखेगी। ओके, कि ये कैंड ये वाला के जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, ये क्या हैं, कैंडिडेट की हैं और ए और डी नॉन प्राइम है। ओके, तो अब यहां से देखते हैं कि पहले चेक कर लेते हैं कि क्या सेकंड एनएफ में है। ओके, रिलेशन सेकंड एनएफ फर्स्ट एनएफ में है, क्योंकि अजम्पशन है कि ऑल दैट एट्रीब्यूट्स आर हैव एटॉमिक डोमेन्स। नाउ द कैंडिडेट की जा ए एंड बी सी, तो यहां से आप देखो ए टू बी सी, ना ही ये फुल एफडी है ना ही ये पार्शियल एफडी है, मतलब चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बी और सी क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट्स है, और फुल एफडी या पार्शियल एफडी चेक करने के लिए बी और सी को क्या होना पड़ता, नॉन प्राइम। तो कोई इशू नहीं है इसको सेकेंड एनएफ में होने से। पहली एफडी बी सी टू ए डी, ए इसमें क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, तो बी सी टू ए नहीं चेक किया जाएगा, लेकिन बी सी टू डी चेक किया जाएगा, डी क्योंकि नॉन प्राइम है, और यहां से बी सी कैंडिडेट की है, तो बी सी टू डी एफ डी जो होगी वो क्या होगी, फुल एफ डी होगी, और बी सी टू ए वो ना ही पार्शियल है ना ही फुल है। ओके, मतलब पार्शियल भी उसको नहीं बोल सकते, फुल भी नहीं बोल सकते। और नाउ डी टू ई, डी टू ई क्या है, डी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नहीं है, तो फिर वो पार्शियल तो नहीं है, एंड देयरफॉर रिलेशन इज सेकंड नॉर्मल फॉर्म। रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है। नाउ चेक फॉर अप ट्रांजिटिव एफडी चेक कर सकते हो, बिल्कुल ये सिचुएशन दिखाई देगी। ओके, तो देखते हैं यहां से ए टू बी सी एंड बी सी टू ए, मैंने क्या बताया यहां पर, ए टू बी सी एंड बी सी टू ए, तो ये वाला एट्रीब्यूट हमेशा सिंगल होगा। ओके, पहला पॉइंट। ओके, और अगर मींस एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं, तो सिनेरियो मींस ये जो कुछ ना कुछ ये सिंगल एट्रीब्यूट पे नॉन प्राइम जैसा तो दिखना ही चाहिए। दूसरा अगर मैं यहां बात करूं बी सी टू ए, तो बी सी टू ए से कुछ नहीं अराइज हो रहा है, लेकिन आप देखो बी सी टू डी एंड डी टू ई, बी सी टू ए क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि ए क्या है, ए बी सी प्राइम एट्रीब्यूट हैं इस स्कीमा के, क्योंकि ये दो कैंडिडेट की हैं, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं केवल डी और ई। तो यहां पर देखो डी क्या है, नॉन प्राइम, ई क्या है, नॉन प्राइम, और बी सी क्या है, कैंडिडेट की। तो ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं, ये क्या है, ये है ट्रांजिटिव एफडी। सिंस मींस इसमें ट्रांजिटिव एफडी है, एंड देयरफॉर जब इसमें कुछ इस स्कीमा में कुछ इंसर्ट करेंगे, कुछ अपडेट करेंगे, कुछ डिलीट करेंगे, तो इस सिनेरियो की वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, एनोमलीज आएंगी। ओके, एंड दैट्स